अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कस्टर्ड रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैं 1/2 लीटर दूध ऐड करूँगी। तो थोड़ा सा दूध मैंने यहाँ कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के लिए निकाल लिया है। तो यहाँ गैस मैं ऑन कर दूँगी और दूध में हम एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे, एक बार चला देंगे। तो यहाँ मैंने टॉप्स का कस्टर्ड पाउडर लिया है वनीला फ्लेवर, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। तो मैं मतलब 1/2 लीटर में ना 2 टेबल स्पून कस्टर्ड इनफ होगा, तो मैं ये ठंडा दूध इसमें ऐड कर दूँगी। आप ना गर्म दूध में इसे मिक्स मत कीजिएगा, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे कस्टर्ड में। तो यहाँ हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कस्टर्ड को। ये देखिए स्मूथ सा कस्टर्ड हमारा तैयार है। तो यहाँ मैंने चीनी ली है और दूध में भी अच्छा सा बॉयल आ चुका है, तो यहाँ पर मैं अब चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी आप अपने हिसाब से डालिएगा, फ्रूट्स भी मीठे होते हैं तो उसके हिसाब से डालिएगा। तो चीनी भी मेरी यहाँ अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो एक बार कस्टर्ड पाउडर को हम अच्छे से चला देंगे और दूध में ऐड कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट पका लेंगे। तो देखिए 1 से 2 मिनट बाद मेरा कस्टर्ड थिक हो चुका है, तो बस हमें इतना ही थिक रखना है। तो मैं यहाँ गैस ऑफ कर दूँगी और इसे हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं, अनार, सेब, केला, आप कोई भी अपनी पसंद का फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कट कर लिया है। आप ध्यान रखिएगा ना फ्रूट्स को ना हैंड टू हैंड ही कट करें, नहीं तो वो काले पड़ जाते हैं, ख़ास करके बनाना वो काला हो जाता है। तो बस कस्टर्ड मेरा यहाँ ठंडा हो चुका था, तो मैं अपने सारे फ्रूट्स इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस देखिए कस्टर्ड मेरा यहाँ मिक्स हो गया। तो मैं 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखने के बाद देखिए ये कितना क्रीमी थिक हो गया है। तो यह है इसका फाइनल लुक, मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो ये है यम्मी सा टेस्टी सा कस्टर्ड और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला डेजर्ट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।